हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो HLL की तरफ से निकल कर आ रही है। विदाउट डेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 11.62 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि HLL लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 6 दिसंबर 2023। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल, सिविल और केमिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग BVTech करने के बाद MBA किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रहा गया है। इसमें आप लोगों का पे स्केल E2 ग्रेड के हिसाब से, यानी कि बेसिक पे 40,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए आप लोगों को CTC 11.62 लाख पर एनम मिल जाएगी, और मेट्रो सिटीज़ के लिए आप लोगों को CTC 12.20 लाख पर एनम मिल जाएगी। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो करेंट CV है उसका कॉपी, उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा आपका जो सैलरी स्लिप है उसका कॉपी, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी। और जिस PDF को आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल ईमेल ID से मेंशन है, आप लोग को उसी ईमेल ID पे 6 दिसंबर 2023 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल के थ्रू पे सेंड करना होगा। और ईमेल करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी मैनेजर। ये टाइप करने के बाद आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। अप्लाई करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। इसमें आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था, तो फ्रेंड्स यही है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स में डिस्कस किया हो उन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोग को अटैच करके एक सिंगल PDF बना के इनका जो ऑफिशियल ईमेल ID इसमें मेंशन है आप लोग को उसी ईमेल ID पे 6 दिसंबर 2023 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।